गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी आ जाइए सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। जल्दी जल्दी बच्चों आ जाओ। देखो मैं यूट्यूब पे चला गया क्या? चलिए ग्रेट ग्रेट। गुड आफ्टरनून गाइस, आ जाइए जल्दी जल्दी। हाँ जी जल्दी जल्दी आ जाइए। काहे का शाउट आउट, आउट तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी आपका मैं स्लाइड अपलोड कर दूं टेस्ट एंड डिस्कशन का। ये तो प्लान कितना है? अरे कहाँ चला गया स्लाइड? एक सेकंड बस रुक जाओ बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए। आपका मैं स्लाइड अपलोड कर दूं किस नाम से है? एक सेकंड बच्चों, स्लाइड कहाँ चला गया? स्लाइड स्लाइड स्लाइड। प्लांट किंगडम, नेशनल एवरेस्ट, जेनेटिक्स। यार रुको रुको रुको, मुझे फिर से अपलोड करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, बस एक सेकंड में तुम्हारा ये हो जाएगा। ये है तुम्हारा टेस्ट एंड डिस्कशन वन, ये हो गया इसका पीडीएफ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बस रुक जाओ, एंड विल गेट स्टार्टेड। बस एक सेकेंड, तभी इसने लिया नहीं लगता मुझे। ये कर दिया मैंने शेयर, ठीक है चल। कहाँ गया? हाँ जी हाँ जी, हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। चलिए हाँ जी, बस एक सेकंड में मैं अपलोड कर देता हूँ तुम्हारा पीडीएफ। हाँ जी चैट डिजेबल कर रहा हूँ, बस 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 कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं भाई, आज तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। हाँ जी चलिए चलिए चलिए। हाँ जी चलो, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, चैट ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे। पता है आप लोगों को क्या है? 45 से 50 क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं मुझे आज कितने क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं ठीक है। चैट में ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद जो दिक्कत होगा उसके हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है? ठीक, सब कुछ ठीक है, आ रही है आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है? हाँ या नहीं जल्दी बोल दो बच्चों। हाँ जी आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है? चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शुरू करते हैं शुरू करते हैं, ठीक है। आई एम डिजेबलिंग द चैट गाइज एंड विल गेट स्टार्टेड। आई एम डिजेबलिंग द चैट एंड विल गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये कुछ मेरे बारे में गाइज, पता है आप लोग को मेरे बारे में, अब तो पता चल ही गया होगा तुम लोग को, ठीक है। चल ये आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बारे में बस इतना समझ जाओ, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है 1 साल या 2 साल का लेना है, ताकि आप इंडिया के टॉप 40+ एजुकेटर, सारे एजुकेटर से पढ़ पाएं, मेरे सुपर रैंकर्स बैच में एनरोल हो पाएं। और आपको 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। रेफरल कोड जो यूज करना है, आनंद यूज करना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, आपको रेफरल कोड आनंद यूज करना है जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। प्लस आपको बिल्कुल स्टडी मटेरियल आपके घर पर कुरियर किया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 30 सेट्स ऑफ बुक्स, ठीक है। 30 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाइल यू आर यूजिंग द रेफरल कोड आनंद। तो जब भी रेफरल कोड आनंद यूज करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे 9015201222 पे इसका स्क्रीनशॉट अपने नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ भेज दो, ठीक है। जब भी सब्सक्रिप्शन लो इस नंबर पे मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो पहला सवाल है, ये मॉड्यूल मैंने आकाश का उठाया हुआ है, ठीक है। आकाश का कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट से उनके मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। तो पहला पोल स्टार्ट करें, 30 सेकेंड का पोल मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। 30 सेकेंड का पोल मिलेगा आपको, चलिए शुरू करते हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। जल्दी 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 बच्चों, जल्दी जल्दी। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, क्या है भाई क्या है भाई? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, अच्छा, इनकॉर्पोरेट्स जेनेटिक वेरिएशन एंड मेक्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो बेटा सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया ना आपका यहां पे, क्या
बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है, नया ऑफस्प्रिंग भी बना रहा है और तुम्हारा कंटिन्यूटी भी कराता है। इसमें मेंशन नहीं किया है कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम है। मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम। कहाँ से ऑब्टेन नहीं हो सकता बेटा? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आएगा, है ना। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, राइजोम में होता है, स्टेम कटिंग में होगा, कॉर्न में होगा, जाइगोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, यहां पे मियोसिस हो गया, मियोसिस होने की वजह से यहां पे वेरिएशन हो गया, वेरिएशन होने की वजह से ये यहां पे नहीं आएगा, वेरिएशन होने की वजह से ये यहां पे नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। ग्रेट जॉब गाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर। गिवन फिगर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रीन एल्गे डिनोटेड बाय ए एंड बी, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर बताना है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो। हाँ जी, चलिए 46% बच्चों ने सही जवाब दिया है, 46% बच्चों ने सही जवाब दिया, यहाँ पे भी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए ग्रेट ग्रेट, क्या कह रहा है बच्चों? गिवन बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रीन एल्गे डिनोटेड एज ए एंड बी, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो बोथ ए एंड बी आर गैमिटैंजिया, वेयर ए रिप्रेजेंट द ऊगोनियम, है ना, ऊपर लड़की हमेशा ऊपर होती, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ गया तुम्हारा, बी रिप्रेजेंट करता है गोबियो, तो वही यहाँ पे उल्टा है, ए मेल बोल दिया है, ये गलत है, फीमेल ऊपर मेल नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है, और तुम्हारा ये आ गया, ये भी बोथ आर वेजिटेटिव नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट हमको बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। टेरर ऑफ बंगाल रिप्रोड्यूसड वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट बाय ऑफसेट्स, द प्लॉइडी लेवल एट मियोसाइट इज ऑलवेज 2n, द सीड इन सीड प्लांट्स वॉटर एक्ट एज अ कैरियर ऑफ मेल गैमिट्स एंड मर्चेंटिया इज अ मोनोशियस प्लांट, इज अ मोनोशियस। क्वेश्चन नंबर 4 है ये बेटा, मैं फोर क्वेश्चन नंबर लिखते जाता हूं, ठीक है। मर्चेंटिया इज अ मोनोशियस गैमिटोफाइट। देखिए भाई ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए 56% बच्चों ने ए बोला है, 56% बच्चों ने ए बोला है। चलिए लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है बच्चों, टेरर ऑफ बंगाल रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली एज अ फिनोमिनल रेट बाय ऑफसेट। इकोर्निया पिस्टिया में तुम्हारा ऑफसेट से होता है, मियोसाइट्स में प्लॉइडी लेवल 2n है, ठीक है, सीडेड प्लांट में नहीं होता, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में आपका पानी चाहिए होता था, तो ये कल ही हमने पढ़ा था, ये गलत है। मर्चेंटिया तुम्हारा डायसियस होता है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ये तुम्हारा सही हो गया, ए एंड बी इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, थोड़ा अच्छे से मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला ढंग से लेने का स्क्रीनशॉट, इसलिए मैंने अच्छे से ये ले नहीं पाया, ठीक है। मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी। हाँ जी, मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बी ज्यादातर लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी जल्दी, 30 सेकंड्स आ रहा है बच्चों, 30 सेकंड्स का टाइमर है। हाँ जी, बी ज्यादातर लोग बोल रहे हैं बच्चों, क्या है बेटा, मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, लीफ बर्ड से पूछ रहा है, लीफ बर्ड्स में क्या आ जाएगा, ब्रायोफिलम आ जाएगा, है ना,
ब्रायोफिलम और बिगोनिया तुम्हारे इसी से आते हैं, ठीक है। ब्यूल्बिस तुम्हारा किस में आ गया, अगेव में आ गया, ट्यूबर पोटैटो एंड ऑफसेट इकोर्निया पिस्टिया वाटर हयासिंथ में तुम्हारा आ जाएगा। तो ए का थ्री कर लो, तुम्हारा आंसर यहीं से आ गया, ए का थ्री बी का फोर, आंसर इज बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चों, गोटी 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 फॉर्मेशन होता है, इट इज एन एंशियंट हॉर्टिकल्चर टेक्निक, ठीक है, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड। देखो गोटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं था बच्चों, लेकिन तुम्हारा इस तरह से इसको कहते हैं, देखो क्या होता है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करते तो तुम्हारा आ जाता, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते तो तुम्हारा आंसर आ जाता, ऑप्शन एलिमिनेट बेटा नहीं, देखो देखो गोटी क्या होता है, गोटी देखो गोटी ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे नहीं कहते, यहां पे गोटी लगा लिया है इसने, कहते हैं ना, तो ऐसा सा होता है तुम्हारा। तो ये इसमें क्या होता है कि तुम्हारा इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, जहां पे ग्राफ्टिंग काम करता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें इसमें क्या होता है ना, ये ऐसे ये होता है, दिस इज द गोटी, दिस इज द गोटी यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है, तो इसमें क्या होता है कि एयर लेयरिंग, हवा में हम एक लेयर कवर करके रखते हैं और वहां से उसके बाद ग्रोथ कराते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगा उसको हम कहीं और जगह लगा के लगा देंगे प्लांट में, ठीक है। ग्राफ्टिंग आपके वैसे सिलेबस में है, ग्राफ्टिंग में आपको सियोन और स्टॉक, तो नीचे वाला स्टॉक हो गया, ऊपर वाला सियोन हो गया, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, और ये तुम्हारा जो है ये क्या होगा, ये इसको कवर करके रखेगा, ठीक है। तो आपका ये एयर लेयरिंग हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है, रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम मेरिस्टेम्स और एक्सप्लांट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। नया प्लांट अगर हम एक्सप्लांट से निकाल रहे हैं टिश्यू कल्चर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली एक सेल से अगर हम कह रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कल्चर टेक्निक पूछ रहा है, टेक्निक पूछ रहा है, फिनोमिना नहीं पूछ रहा, ध्यान से देखिए, कल्चर टेक्निक पूछ रहा है, फिनोमिना नहीं पूछ रहा बच्चों, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज इट कॉल्ड, 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग लीडर बोर्ड देखने वाले हैं बच्चों, 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग लीडर बोर्ड देखने वाले हैं, है ना। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर। हम लोग क्या कहते थे, मेरिस्मेटिक कल्चर या टिश्यू कल्चर करते थे, टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स, है ना, वायरस फ्री प्लांट के लिए हम इस तरह का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या है, द स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट अ वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, दो जनरेशन के बीच का वाइटल लिंक क्या होगा, दो जनरेशन के बीच का वाइटल लिंक, क्वेश्चन ध्यान से समझो, दो जनरेशन के बीच का वाइटल लिंक क्या होगा, दो जनरेशन के बीच की बात करें तो जो बीच में कनेक्टेड जाएगा, जहां पे दो जनरेशन मिल रहे हैं या कुछ ऐसे है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग, बहुत स्मार्ट हो, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, है ना। दो जनरेशन की अगर हम बात करें बच्चों, दो जनरेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, अगर हम दो जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका, उस केस में तुम्हारा क्या आएगा, उस केस में तुम्हारा जायगोट आएगा, क्योंकि मेल से आया, ठीक है, फीमेल से आया और ये दोनों फ्यूज करके तुम्हारा जायगोट बनाया, उससे तुम नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो दो वाइटल लिंक जो है दैट विल बी जायगोट फॉर टू जनरेशन, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। क्वेश्चन नंबर नाइन बच्चों, क्वेश्चन नंबर नाइन, ये हमको दिख रहा है कुछ क्या चीज का है, ये हमको दिख रहा है कुछ क्या चीज का है, ये क्वेश्चन नंबर नाइन। चलिए बेटा ध्यान से नहीं देखे तुम लोग, क्वेश्चन कभी जब पढ़ा करो ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, यहीं पे कंफ्यूज करके ना, देखो इसमें तुम्हारे 4 नंबर चले जाते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। आप लोग को सब आता है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो बायोलॉजी में, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, कहां गलती करते हैं, प्रेजेंटेशन अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन पढ़ने में, यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आई एम कमिंग विथ टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है, एंड विल डू दैट, तो एकदम भयानक हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा तो क्या है बेटा, प्रोड्यूसेस एक्सोजीनस थिन वॉल्ड
स्पोर्स इन पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, बिल्कुल सही। यहां पे देखो क्या है, एक्सोजिनस एंडोजिनस यहां दिया तो यहां पे खत्म हो गया, ठीक है ना। ये कोनिडियो फोर्स है ना, ये कोनिडियो फोर्स है, कोनिडिया कोनिडियो फोर्स है यहां पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोनिडिया का है एंड इट इज एक्सोजिनस इन नेचर, एंडोजिनस नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इट इज लीडर बोर्ड टाइम बच्चों, ध्यान से देखना और उसके बाद तुम बताना, ध्यान से देखना और उसके बाद तुम बताना। नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर इन गैमिट्स पूछ रहा है, गैमिट्स में पूछ रहा है, ठीक है, गैमिट्स में पूछ रहा है, ये देखना, ठीक है, गैमिट्स में पूछ रहा है। क्या होगा इसका, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या है बेटा, क्या है क्या है क्या है क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। एडल्ट फर्न यही होता है, ओफियोग्लॉसम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये ओफियोग्लॉसम है, फर्न ही होता है ये, इसको हम ओफियोग्लॉसम कहते हैं, जिसका मियोसाइट में कितना होता था, 2n होता था। तो यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तुम्हारा डी का 2 आएगा, ठीक है, इसका याद रखना। मैंने आपको बोला था ओफियोग्लॉसम याद रखना, फ्रूट फ्लाई याद रखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकते हैं, ऑप्शन, अरे मैंने लीडर बोर्ड बंद कर दिया, एलिमिनेशन से बना सकते हैं, मैंने लीडर बोर्ड बंद कर दिया बच्चे, ठीक है, चलिए कोई नहीं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली सीन इन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली सीन इन, बच्चा वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। इट इज अ वेरी चाइल्डलेस क्वेश्चन, वेरी चाइल्डलेस क्वेश्चन। इसमें क्यों गलत किए भाई, इसमें तो 100% पोल आना चाहिए था, इसमें तो 100% पोल आना चाहिए था, इसमें क्यों गलत किया आपने, क्या कह रहा है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन केस ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के केस में आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखता है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द लीडर बोर्ड, देखते हैं टॉप 100 का ही रिजल्ट आता है यहाँ पे, एंड यू आर स्टैंडिंग अमॉन वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन, 1674 स्टूडेंट्स आर लाइव, ठीक है। सुमन इज डूइंग अ गुड जॉब, राधिका, सार्थक, आयुष, अखिल, हिनल, काश्यापी, एम्स इज लव, प्रेरणा एंड ज्योत्सना, सब बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं इसमें, चलिए ग्रेट 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 जॉब। चलिए अगला आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, चूज द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, इजी है ना। तीन इवेंट होता था, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता था, ठीक है, एक गैमी ट्रांसफर होता था, और दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमी ट्रांसफर और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता था, राइट 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 राइट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमी ट्रांसफर एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता था बच्चों, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन तुम्हारा क्या हो, गैमिटोजेनेसिस आ गया, ठीक है, तो तुम्हारा पॉलिनेशन तुम्हारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, जो गैमिट ट्रांसफर में भी तुम कह सकते हो, जहां पे ट्रांसफर होके जा रहा है, ठीक है। हमने तीन तरह का पॉलिनेशन दिखा था, ऑटो, जिटनो और जीनोगैमी। हाउ मेनी ऑफ दीज प्लांट शोज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेस्पेक्टिवली, एक्सटर्नल कितना है और इंटरनल इसमें कितना है फर्टिलाइजेशन, कॉमन सेंस यूज करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेस्पेक्टिवली, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेस्पेक्टिवली, देख के पता चल जा रहा है ना। 5 कैसे हो गया बाबू, नहीं नहीं एक नहीं आएगा ना, 2 है ना,
देखो, मर्चेंटिया, पॉलिसिपोनिया, पॉलिट्रिकम, ठीक है, फाइकस, सेडस, ये तो आ गया, ये तो पूरा ही आ गया, ठीक है। इन तीनों में से एक था। यूलोथ्रिक्स में तुम्हारा नहीं होता, स्पायरोगायरा और क्लाइमेटोमोनास में आ जाएगा, सॉरी क्लाइमेटोमोनास और यूलोथ्रिक्स आ जाएगा तुम्हारा ये वाला, और स्पायरोगायरा तुम्हारा नहीं आएगा, तो आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा, है ना। ठीक है, मुझे भी ऐसे पहले स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लाइमेटोमोनास में दिक्कत लग रहा था, लेकिन फिर उस हिसाब से तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर ए। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर मोनोशियस, मोनोशियस बताना है आपको इनमें से कौन सा है, मोनोशियस बताना है आपको इनमें से कौन सा है, देख के पता चल जा रहा है, तुमको आराम से आंसर बता सकते हो। ठीक है, मोनोशियस डायोशियस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज दैट गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, मोनोशियस डायोशियस पे एक क्वेश्चन तो पक्का देख सकते हो, और सेम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सेम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन मोनोशियस और डायोशियस पे 100% देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अच्छा तो देखो, पपाया और डेट पाम तुम्हारा याद है कैसे होता था, यहां गया, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा यहां पे तुम्हारा मर्चेंटिया आ गया, ठीक है, यहां पे तुम्हारा साइकस पाइनस, कुकुरबिट्स तो है, ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा कोकोनट, कुकुरबिट्स, और ये तीनों तुम्हारा मोनोशियस होता है ना, तो डी आ जाएगा तुम्हारे यहां पे, ये तीनों के तीनों तुम्हारे मोनोशियस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, इन एंजियोस्पर्म्स, इन एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व, एम्ब्रियो फॉर्मेशन पूछ रहा है, कॉमन सेंस यूज करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा एम्ब्रियोजेन। अरे यार, एम्ब्रियोजेनेसिस देखो, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस यूज करो, आंसर आ जाएगा बच्चों। बेटा पूरा लिस्ट शेयर्ड है अदिति, मैं पूरा ही लिस्ट शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। हाँ जी, क्या है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस तो इन्वॉल्व सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, दोनों चीज होता था, याद है, सेल डिवीजन होता था, सेल डिवीजन कैसे होता था, तुम्हारा जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसका डिवाइड करता था, उसके बाद इनको डिफरेंशिएट करते थे, हम हार्ट शेप एम्ब्रियो देखते थे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो देखते थे, जो फिर फर्दर डिफरेंशिएट करके बनाता था प्लूमियोल एंड रेडिकल, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ज्योमेट्रिकल और एपिकल ग्रोथ जरूरी नहीं है हो, ठीक है, आफ्टर तो एकदम नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर आपके ए आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जूस्पोर्स, 16 करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा जाइगोस्पोर, अच्छा जाइगोस्पोर है, सॉरी जूस्पोर नहीं बच्चों, जाइगोस्पोर है, ध्यान देना, जाइगोस्पोर, अभी तो मैं गलत मार्क कर देता, ठीक है, अभी तो मैं गलत मार्क कर देता, जाइगोस्पोर है, ठीक है, एस्कोस्पोर नहीं है, जाइगोस्पोर है, हाँ जी, अभी तो गलत हो जाता मुझसे ही, ठीक है, अगर जूस्पोर होता, देखो जो जो गलत किए हैं जिन्होंने मार्क किया है ना, उन्होंने मेरी वाली गलती की है इन्होंने, है ना, जिन्होंने ये वाली गलती की है, मेरी वाली गलती कर दी उन्होंने, बेटा जाइगोस्पोर है, जूस्पोर नहीं है, देखो जूस्पोर होता तो ए आ जाता, ठीक है, वो भी थिक वॉल नहीं होता, थिन वॉल होता, ठीक है, ग्रीन आल्गे तुम्हारा जूस्पोर होता, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा, थिक वॉल नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स आते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज, इनर मोस्ट लेयर पूछ रहा है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट, ठीक है, ध्यान से देखो, इनर मोस्ट लेयर पूछ रहा है, हाँ जी, इनर मोस्ट लेयर पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना, इनर मोस्ट लेयर आपसे पूछा जा रहा है यहां पे, ठीक है, तो चार लेयर हमने पढ़ा था, हमने क्या लेयर पढ़ा था, हमने पहला पढ़ा था एपिडर्मिस,
दूसरा हमने पढ़ा था एंडोथीशियम, तीसरा हमने पढ़ा था मिडिल लेयर, और चौथा हमने पढ़ा था एपिडर्म। क्या क्या पढ़ा था? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। टेपेटम क्या होता है? बाय न्यूक्लिएट पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। टेपेटम क्या होता है? बाय न्यूक्लिएट पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। यहां पे ये मेरा लैग कर रहा है, शायद आंसर तुम्हारा आ जाएगा टेपेटम इज पॉलीप्लॉइड। ठीक, आगे बढ़ो। पॉलन ग्रेन्स इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में कैसे सेल स्टेज पे शेड होता है? क्वेश्चन नंबर 18, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में कैसे सेल स्टेज पे शेड होता है? मैंने आंसर बता दिया जो जोश में। हाँ जी, चलिए जल्दी बता दो बच्चों। हाँ जी, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में किस होता है? हाँ जी, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में कैसे होता है बच्चों? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये टू सेल स्टेज में होता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये टू सेल स्टेज में होता है। फिर जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो इस पॉलन ट्यूब में फिर ये थ्री सेल स्टेज का जाता है। पॉलन ट्यूब में ये फिर थ्री सेल स्टेज का बनता है, यहां पर टू सेल स्टेज ही रहता है। ग्रेट जॉब गाइज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, ये हैंग क्यों करता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व, क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व, क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता है? पता है सबको, है ना? तो क्या होता था बच्चों? स्पोरोजेनेस टिश्यू आपका क्या करता था? यह बनाता था पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता था आपका माइक्रोस्पोर टेट्रैड, और माइक्रोस्पोर टेट्रैड जो है आपका वो बनाता था फंक्शनल माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो है आपका वो बनाता था फंक्शनल माइक्रोस्पोर। तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड बाय रिडक्शन डिवीजन। एक सेकंड बच्चों रुको, ये थोड़ा कुछ दिक्कत कर रहा है, इसको क्लोज करूं मैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा हैंग कर जाता है। आई थिंक अब ठीक चलेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रैक। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो क्या आ गया 19? क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पॉलन ग्रेन लूजेज इज वायबिलिटी विद इन हाफ एन आवर इन केसेस ऑफ, पॉलन ग्रेन लूजेज इज वायबिलिटी विद इन हाफ एन आवर इन केसेस ऑफ, किसमें आता है? आधे घंटे में पॉलन वायबिलिटी अपना लूज कर लेता है, किस केसेस में ऐसा होता है बच्चों? किन केसेस में ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन लूजेस इज वायबिलिटी विद इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर ऑफ, ये कब होता है बच्चों? तो ये जो होता है, ये जो हरकत होता है पॉलन ग्रेन का, ये कब होता है? ये जो होता है तुम्हारा मोनोकॉट, तुम्हारा वीट राइस है ना, सीरियल्स के केस में 30 मिनट्स, लेग्यूमिनेसे सोलानेसे में, रोजेसे में फ्यू मंथ्स, और हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। चलिए, ग्रेट जॉब। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉलन किट हमने देखा था एंटरोकिन, तो आ जाओ पॉलन किट। स्पोरोपोलिनिन एंड इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय, कहां से सिंथेसाइज होता है पॉलन ट्यूब का? ये जो पॉलन किट है, ये सब सिंथेसाइज आखिर कहां से होता है? तो कॉमन सेंस इसमें यूज करोगे, अगर नहीं भी पता है तो तुम आंसर बता सकते हो इसमें। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करोगे, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप आंसर बता सकते हैं कहां से। तो बेटा सबसे अंदर की तरफ बनेगा, यहां पे स्पोरोजेनेस टिश्यू पॉलन ट्यूब बना रखो, सबसे अंदर वाला लेयर ही सिंथेसाइज करेगा ना,
तो कौन सा लेयर होगा ये, दिस विल बी टेपिटम विच इज अ पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो दिस विल बी टेपिटम विच इज अ पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर। ग्रेट जॉब, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट सी द लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड की क्या हाल है, कौन बच्चे टॉप कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं जरा देखें। हां जी कश्यपी, कश्यपी इज अ न्यू स्टूडेंट एंड शी इज डूइंग फैबुलसली गुड। ठीक है, एके सेकंड, जोशना थर्ड, अलका फोर्थ, हेमंत फिफ्थ, हेमंत भी पुराना स्टूडेंट है, प्रियांशी, प्रियाक्षी, प्रियाक्षी सिक्स, प्रेरणा सेवेंथ, हीनल एट, हीनल पुरानी है, साहिल पुराना है नाइन, एंड कनुप्रिया टेंथ। चलिए ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, दीज आर द टॉप 10 पीपल हु आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। मतलब देखो 1600 बच्चे के आसपास हैं और आप उसमें अच्छा कर रहे हो, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, 22 क्या है, वेजिटेटिव सेल इन अ पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल इन अ पॉलन ग्रेन क्या होगा, वेजिटेटिव सेल के बारे में पूछ रहा है, वेजिटेटिव सेल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आई विल स्टार्ट टॉप 100 क्वेश्चंस वाला सीरीज बेटा, जल्दी कर देंगे हम लोग। ठीक है, वेजिटेटिव सेल इन अ पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल इन अ पॉलन ग्रेन क्या होगा, वेजिटेटिव सेल इन अ पॉलन ग्रेन क्या होगा। हां जी क्या होगा, बताओ बच्चों, वेजिटेटिव सेल इन अ पॉलन ग्रेन क्या होगा, इट हैज, तुम्हारा कैसा होता था, टू सेल स्टेज अगर हम देखें तो ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल ऊपर वाला हो गया, ये तुम्हारा जेनरेटिव सेल होता है, जेनरेटिव सेल में एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स होते थे ऐसे, और वेजिटेटिव सेल में एक सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस होता था विच इज इरेगुलर। तो ठीक है, तो इसके पास लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इज लार्जर देन जेनरेटिव सेल बट लैक्स रिजर्व फूड, रिजर्व फूड होता है, ये गलत हो गया, स्मॉल एंड स्पिंडल शेप इसमें आता है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जेनरेटिव सेल, उल्टा बोल रहा है, जेनरेटिव सेल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता था, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रोफोमिक्सिस, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाहर का है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाहर का है, बट देखो किसको आता है देखते हैं, ट्रोफोमिक्सिस पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रोफोमिक्सिस, जल्दी देखे कितने को आता है, अरे यार तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग, कुछ नहीं बेटा, हम देखो अगर डिप्लॉइड के केस में होता है तो क्या कहते थे, डिप्लॉइड के केस में हम कहते थे एम्फीमिक्सिस, ठीक है, अगर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो इसको हम ट्रोफोमिक्सिस कहते थे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए, दो आ गए तुम्हारे एम्ब्रियो सैक के प्लस एक आ गया तुम्हारा मेल गैमेट का, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर तुम्हारा इस केस में, तुम्हारा ट्रोफोमिक्सिस, बहुत ग्रेट, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर गए, अच्छा कर गए यार। चलो क्वेश्चन नंबर 24, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिकॉज, बहुत ईजी है, एनसीईआरटी लाइन है, जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ईजी है, एनसीईआरटी लाइन है, जल्दी बता दीजिए, मैं इसमें नीचे लगा दूं यार, मेरा मैक ना इतना जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ हाँ जी, अरे टेढ़ा क्यों जा रहा है, हाँ अच्छा, थैंक यू, अच्छा क्या है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, क्या है बेटा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना है, ये एनसीईआरटी लाइन है, इसमें तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है, दिस इज एन एनसीईआरटी लाइन, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी विच मे बी ड्यू टू, एक से ज्यादा सीड, एक से ज्यादा सीड को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली विच मे बी ड्यू टू बेटा स्पोर्स और सीड, फिर वही है ना, एम्ब्रियो पूछ रहा है, स्पोर्स नहीं पूछ रहा, एम्ब्रियो पूछ रहा है, एम्ब्रियो पूछ रहा है, स्पोर्स नहीं पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
एम्ब्रियो पूछ रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, है ना, एम्ब्रियो पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो क्या हो गया बेटा, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो की बात करें, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो की बात करें, तो यहां पे देखो क्या है कि अगर पॉलीस्पोरी स्पोर्स ज्यादा हो जाएंगे ना, पॉली एम्ब्रियोनी और पॉलीस्पोरी में तुम्हारे डिफरेंस है, ठीक है, तो मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, सीड तो एक ही है, ठीक है, तो क्या होता है, ये स्पोरोफिटिक बडिंग के कारण होता है। बहुत सारे स्पोरोफिटिक बडिंग, खूब सारे जो आ जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल एम्ब्रियो तुम्हारा एडवेंटिटिव आ जाता है और ये आ जाता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू स्पोरोफिटिक बडिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म विल बी डैश इफ इट इफ क्रॉस इज मेड बिटवीन हेक्साप्लॉइड मेल, ये मैंने कराया था, हेक्साप्लॉइड फीमेल, अच्छा हेक्साप्लॉइड फीमेल एंड डिप्लॉइड मेल, ये याद है मैंने कराया था, प्लॉइडी लेवल आपको बताना है, हेक्साप्लॉइड फीमेल है और डिप्लॉइड मेल है, हेक्साप्लॉइड फीमेल है और डिप्लॉइड मेल है। अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने कराया था क्वेश्चन पहले भी, है ना, चलिए देखते हैं यार इसमें क्यों गलत किए हो, ध्यान से देखो, हेक्साप्लॉइड फीमेल है और डिप्लॉइड मेल है, चलिए देखते हैं देखते हैं देखते हैं, हेक्साप्लॉइड फीमेल, तो बच्चों हेक्साप्लॉइड फीमेल क्या हो गया, तो अगर मान लो ये एम्ब्रियो सैक बनाएगा, तो अगर 6n था तो एम्ब्रियो सैक में सबका प्लॉइडी क्या आ जाएगा, 3n, 3n मतलब दो पोलर न्यूक्लाई बना, तो 3n का एक पोलर न्यूक्लाई प्लस 3n का दूसरा पोलर न्यूक्लाई, ठीक है, एंड एंड इसके साथ क्या हुआ, प्लस ये डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड ने मेल गैमेट बना, तो इसका एक और एन आ गया, तो 3 + 3 + 1 एंडोस्पर्म बनेगा ट्रिपल फ्यूजन से, तो ये आ जाएगा 7n, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैंने हिंट दे दिया तुमको, क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों, मुझे पता था ना, ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखना था ना क्वेश्चन, तुम लोग यही हड़बड़ी कर देते हो बच्चों, हड़बड़ी नहीं, यही सब चीज सिखा रहे हैं, पेशेंस, संयम रखना बहुत जरूरी है आपके जीवन में, अगर आप संयम नहीं रखते ना, तो बहुत कष्ट तकलीफ का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या कह रहा है, पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूक्लियस, सबको पता है, तो क्या होगा ये, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक टिश्यू ही तो होगा, इसमें क्या लोड था, ठीक है, ये नहीं हो गया, चलो सीड ब्लैक पेपर में होता है परसिस्टेंट न्यूक्लियस पेरिस्पर्म, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा डी आ जाएगा ना, यहां पे क्यों नहीं दिखा तुम लोगों को, चलिए कोई नहीं। अगला, पैरेन्काइमेटस आउटग्रोथ डिराइव फ्रॉम फ्यूनिकल विथ डायरेक्ट पॉलन ट्यूब टू एंटर द ओव्यूल इज, पैरेन्काइमेटस आउटग्रोथ डिवाइड फ्रॉम फ्यूनिकल विथ डायरेक्ट पॉलन ट्यूब टू एंटर इज, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इसमें आ गया ना, फ्यूनिकल रेड रीजन से डायरेक्टली चला गया ना, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो आंसर आ जाएगा। अरे क्या कह रहा है, पैरेन्काइमेटस आउटग्रोथ डिराइव फ्रॉम फ्यूनिकल, ये तुम्हारा फ्यूनिकल है और यहीं से डिराइव करता है, ठीक है, यहीं से तुम्हारा डिराइव होगा, ठीक है, डिराइव फ्रॉम फ्यूनिकल, ठीक है, विथ डायरेक्ट पॉलियन ट्यूब टू एंटर द ओव्यूल, डायरेक्टली पॉलियन ट्यूब अगर एंटर ओव्यूल कर रहा है इज, तो माइक्रोपाइल क्या होता है, डिराइव फ्रॉम फ्यूनिकल से डिराइव नहीं होता ना माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, ठीक है, माइक्रोपाइल जो तुम्हारा है ये एम्ब्रियो सैक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो फ्यूनिकल वाले रीजन, यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या, चलाजल एंड, यहाँ पे तुम्हारा आ गया माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया ऑब्ट्यूरेटर। अगला, सेलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर, सेलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर,
रॉन्गली मैच पेयर, ट्रू फ्रूट कोकोनट पॉलिनियम मेटाजीनिया, जीनिया तो तुम्हारे उसमें आ जाता था, और तुम्हारा रूमिनेट एंडोस्पर्म। क्या लैग हो रहा है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इसका मुझे ऑप्शन श्योर नहीं है, तो इसको मैं पोल में ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसे स्किप करके बता रहा हूँ, ऐसे आंसर ये ऐड नहीं होगा, ठीक है? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। जीनिया तुम्हारा इसमें आता था ना, मेज में जीनिया आता था, है ना? एक बार बताना तुम लोगों को क्या लगता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, जीनिया तुम्हारे किस केस में आता है? जीनिया तो मेज में ही आ गया ना तुम्हारा। हाँ, रूमिनेट एंडोस्पर्म, आई डोंट थिंक कि रूमिनेट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मोनोकॉट में तो रहता ही है। आंसर डी होगा यार, जानते हो? हाँ, जीनिया मेटाजीनी, आंसर डी होगा, डी होगा, डी होगा, ठीक है, डी होगा आंसर यार। नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है ना, कोकोनट तो ट्रू है, ये तो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर डी होगा, डी होगा, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। हाँ, डी होगा, डी होगा, डी होगा, ठीक है, इसका डी होगा, डी होगा, डी होगा, क्योंकि रूमिनेट एंडोस्पर्म नहीं होगा ना, एंडोस्पर्म तो खत्म हो जाता, मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली डिजॉल्व थोड़ी होता है, तो आंसर डी होगा। हाँ, डी होगा, हाँ, डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आएगा। चलिए चलिए, अच्छा कोई नहीं, चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 30, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई, फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई, सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई से क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई, पता है आपको कौन सा डेवलपमेंट होता है इसमें? पता है आपको कौन सा डेवलपमेंट होता है इसमें? सबको पता है, एग्जैक्टली सबको पता है इसमें। हाँ जी, एग्जैक्टली, है ना? तो क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राइड बनेगा, मेगास्पोर टेट्राइड में से फंक्शनल मेगास्पोर एक बनेगा, फंक्शनल मेगास्पोर एक बनेगा, और इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, उसके बाद तुम लोग को लीडर बोर्ड दिखाते हैं, ठीक। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, इजी है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कह रहा है बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, इजी है, बहुत इजी है। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी, इसमें तो 30 सेकंड का टाइमर भी नहीं देना चाहिए था, 30 सेकंड से कम का टाइमर देना चाहिए था, बट कोई नहीं। चलो देखो, ऑटोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है। जिटनोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, और जीनोगैमी में क्या होता था? डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, तो ये तुम्हारा जिटनोगैमी आ गया, ठीक है। ज्योत्सना हैज डन अ ग्रेट जॉब, एके उससे भी अच्छा, साहिल, आयुष, सुदीप, उत्कर्ष, जय कृष्णा, हिनल, काश्यपी और कनुप्रिया, ग्रेट, काश्यपी और कनुप्रिया, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, माइक्रोस्पोरोफिल स्टोमेन एम्ब्रियोस, ठीक है, इजी आ गया, यही आ गया। हाँ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इजी है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे ठीक तो है, बहुत तुम लोग को तकलीफ है जिंदगी में। क्या होगा मेगास्पोर एंजियम? ओव्यूल होगा ना, डी इज द
इनकरेक्ट वन, ठीक है, डी इज द इनकरेक्ट वन, राइट। इजी था ये क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन गलत मत किया करो बाबू, इन क्वेश्चंस को गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 33, द स्टॉक बाय विच एन ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से पूछ रहा है कौन से स्टॉक से ओव्यूल अटैच होता है, प्लेसेंटा से। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद करो, स्टॉक, अरे स्टॉक पूछा है, एरिया नहीं पूछा जहां पे अटैच है, स्टॉक पूछा है ना। अभी तो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ये जो ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे, तो तुम्हारा ये फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल के साथ यहाँ पे जहाँ अटैच है ये तुम्हारा हाइलम और ये तुम्हारा ओव्यूल है, ठीक है। द स्टॉक वुड बी फ्यूनिकल, द स्टॉक वुड बी फ्यूनिकल, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, सिनर्जिड्स आर टू इन नंबर, सिनर्जिड्स आर टू इन नंबर इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, हमने वो देखा था पॉलीगोनम टाइप ऑफ, हम लोग जो पढ़ते हैं एम्ब्रियोसैक वो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक ही होता है ना। तो सिनर्जिड्स आर टू इन नंबर इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, तो पूछ रहा है क्या है, तो पूछ रहा है इसमें क्या है, एंड ध्यान से देखो ना बेटा, पहला सिनर्जिड्स तुम्हारा चलाजल एंड पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, और यहां पे चलाजल न्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रोपाइलर वैक्यूल कहां से आ गया, वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, फिलीफॉर्म पैटर्न एम्ब्रियो सैक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे तीन एंटीपोडल, ठीक है, यहाँ पे ये एक अपैरेटस बनाता है, एक अपैरेटस में एक हो गया, फिलीफॉर्म अपैरेटस हो गया और यहाँ पे सिनर्जी, तो ये कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, तो तुम्हारा आंसर ए आ जाएगा। 35, सेलेक्ट द रॉन्गली मैच पेयर विथ रेस्पेक्ट टू पॉलिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें देख लोगे तो तुमको दो तीन ऑप्शन तो तुम ऐसे ही निकाल दिए, दो ऑप्शन तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, तुम लोग को पता है, ठीक है, दो ऑप्शन तो तुम लोग ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, तुम लोग को पता है, ठीक है, तो पूछ रहा है रॉन्गली मैच पेयर पूछ रहा है, ठीक है। ग्रेट, बहुत अच्छा, ए और बी जिसने किया बेटा वो तो गलत किया हो तुम लोग, ठीक है, सी और डी में चलो मैं मान सकता था, ए और बी जिसने किया हो तो तुमको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, है ना, ए और बी वाले तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, अच्छा ठीक है, सी और डी में दो ऑप्शन, कभी भी ऐसा हो इस तरह का ऑप्शन दिखे आपको दो ऑप्शन में एलिमिनेट करने का ऑप्शन हो तो इसमें तुक्का मार देना, ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको दो ऑप्शन में देखने को मिले तो यहाँ पे मार देना तुक्का, देखा जाएगा, है ना, लोड न को लेने का, ठीक है। तो यहाँ तक तो तुम्हारा फाइकस में तुम्हारा पिटफॉल मैकेनिज्म नहीं होता, क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, कैलोट्रोपिस में तुम्हारा ट्रांसलेटर मैकेनिज्म होता है, पहले हम लोग कैलोट्रोपिस पढ़ाते थे, ठीक है, तो इसलिए स्यूडो पॉपुलेशन में ओफायरस में आपको पता है, लिवर मैकेनिज्म सेल्विया का आपको पढ़ना है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बी आके बैठती है तो क्या होता है इसका स्टिग्मा यहाँ पे नीचे ऐसे ब्रश कर जाता है, तो इसको हम लिवर मैकेनिज्म कहते हैं जो सेल्विया में, ये दो आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा। क्या होता है पिटफॉल मैकेनिज्म मुझे पता नहीं बच्चों। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू एंडोस्पर्मिक सीड, ऑड वन बताना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू एंडोस्पर्मिक सीड, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 एंडोस्पर्मिक बताना है, ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू एंडोस्पर्मिक सीड, इजी है, एग्जैक्टली है इसमें एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म है, यहाँ पे एंडोस्पर्म है, पी ग्राउंडनट इन सब में एंडोस्पर्म नहीं होता, प्री ग्राउंडनट इन सब में एंडोस्पर्म नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ग्रेट। अगला, अ सिंगल लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलीडन इन ग्रास, सिंगल लार्ज सीड शेप्ड कॉटिलीडन इन ग्रास, सिंगल लार्ज एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, एम्ब्रियो ऑफ ग्रास में क्या होगा,
ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। सस्पेंसर सेल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, 6 से 10 सस्पेंसर सेल होता है, ठीक है। स्कूटलम तुम्हारा सिंगल कॉटिलीडन होता है। कोलियोप्टाइल शीथ होता है जो प्लूम्यूल को रखता है, और एपीब्लास्ट सेकेंड कंडेंस्ड कॉटिलीडन होता है, सेकेंड कंडेंस्ड कॉटिलीडन होता है जिसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। वायबिलिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। वायबिलिटी ऑफ सीड क्या है तुम्हारा, वायबिलिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड, हाँ जी वायबिलिटी ऑफ सीड क्या है बेटा, मे बी लॉस विद इन अ फ्यू मंथ्स लेग्यूमिनेसिस होलाने से, बताया था मैंने आपको, ठीक है। इट 2000 ईयर्स इन फीनिक्स डैक्टिली फेरा, हमने देखा था ना किंग हेराल्ड पैलेस, और लुपिनस आर्टिकस 10,000 साल पुराना होता है। ये टीटीसी क्या होता है मुझे पता नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, तो वैसे ही मोर देन टू ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंशिएटेड मेगास्पोर मदर सेल, डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंशिएटेड, कल ही कराया था मैंने ये क्वेश्चन, कल ही कराया था मैंने ये क्वेश्चन, डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉइड, डायरेक्टली डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, अगर डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है, अगर डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, इस पे तुमको ये पढ़ना है तुमको, एपोस्पोरी, एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी, एपोगैमी और डिप्लोस्पोरी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। मैं इसका डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट किताब वाला लिखवा देता हूँ, ताकि मेरा लैंग्वेज थोड़ा खराब है, मैं आपका डेफिनेशन एग्जैक्ट किताब वाला आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्टली आप लिख लीजिए, इसका इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ये एग्जैक्ट मैं किताब वाला डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तुम्हारा देखो डिप्लोस्पोरी अगर डिप्लॉइड टिश्यू से आ रहा है तो तुम्हारा डिप्लोस्पोरी हो गया, ठीक है। एपोस्पोरी अगर एडवेंटिटिव आ गया तो तुम्हारा एपोस्पोरी आ गया, और एम्फी तुम्हारा गैमी यहाँ पे, ठीक है। तो एपोस्पोरी अगर डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसेलर सेल्स, अगर न्यूसेलर सेल्स से है, ठीक है, तो एपोस्पोरी, अगर मेगास्पोर मदर सेल से है तो यहां पे, अगर गैमीट से है तो यहां पे, और अगर एडवेंटिटिव है तो एडवेंटिटिव तो है ही, यहाँ पे तो कुछ सोचना है ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं बट ये हर बार आता है, ठीक है। प्लीज इसको, मैंने लेक्चर्स में भी इसको कराया हुआ है, मैंने लेक्चर्स में भी इसको कराया हुआ है, तो प्लीज सी टू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पुराना है ये तो, फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, हमने देखा है तीना तीनों देखा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको, हेरिकोगैमी, प्रोटोएंड्री, हेट्रोसैली, डाइकोगैमी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सब कुछ आपको वो देखना है, सब कुछ ये आपको देखना है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तुम्हारा, फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सब कुछ आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस मैंने कराया हुआ है, तो ये तीनों होगा, होमोगैमी नहीं होगा, होमोगैमी नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट। 41, फाइंड द प्लांट एंड देयर पॉलीनेटर, फाइंड द प्लांट एंड देयर पॉलीनेटर, फाइंड द प्लांट एंड देयर पॉलीनेटर, कुछ जुगाड़ से आंसर आ जाएगा क्या, आ गया ना, हाँ ठीक हो गया, फाइंड द प्लांट एंड देयर पॉलीनेटर, दो पता था तो आ जाएगा आंसर तुम्हारा, हाँ एग्जैक्टली, स्मार्ट हो तुम लोग भी, है ना, दो पता रहेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। युक्का आपको पता है मौत से होता है, ये तो आपको सबको पता है, और ये तुमको पता है कि कोप्लस होता है, ये दो आंसर ऑलमेट हो, बी और सी में एलिमिनेट करना था, आपका आंसर यहां से
आ जाता, ठीक है। ये गॉल इंसेक्ट से होता है और ये लिजर्ड से होता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना यूका और ओफायरस और फाइकस है, ठीक है। तो तीन ये तुम्हारा, ये तीनों पढ़ना है तुमको, ठीक है। तो बम्बल भी कहते हैं या इसको कोलपा कहते हैं, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा याद है। 42, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म इज मीरोब्लास्टिक बिकॉज। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म इज मीरोब्लास्टिक। तुम्हारा हम लोग देखते थे कैसा होता है, तुम्हारा एक होलोब्लास्टिक होता था, एक मीरोब्लास्टिक होता। तो क्यों मीरोब्लास्टिक है, क्यों मीरोब्लास्टिक है? अगर इस तरह में तुमको मीरोब्लास्टिक का मतलब समझ में आए तो जो सही स्टेटमेंट है तुम उसको मार्क कर दिया करो, ठीक है। जो सही स्टेटमेंट है उसको तुम मार्क कर दिया करो। ध्यान से देखो, मीरोब्लास्टिक बिकॉज कॉमन सेंस यूज करो। देखो देखो, ठीक है। देखो, एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टेड इनवर्ड्स नहीं होता, एक्सिस तुम्हारा बाहर की तरफ होता है, ठीक है, आउटवर्ड होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो मीरोब्लास्टिक कैसे हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। सस्पेंसर सेल पुश करता है, सस्पेंसर सेल क्या करता है, इसको पुश करता है टुवर्ड्स कॉटिलीडर। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाता है, तो आंसर तुम्हारा बी आ जाता है, ठीक है। आंसर तुम्हारा, अरे क्या हो गया, आंसर तुम्हारा, अरे अरे कुछ अलग लैंग्वेज में चल रहा है। आंसर तुम्हारा बी आ गया। अरे यार देखो, ये कुछ जादू हो रहा है। एक सेकंड बच्चों, ये कुछ जादू होने लगा। अरे क्या हो गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 43, भावनात्मक हो गया था। हाँ जी, एंडोस्पर्म 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 ऑफ कैस्टर एंड मेज इज सिमिलर इन। कैस्टर और मेज का बात कर रहा है, क्या चीज के सिमिलर होगा? ऑब्वियसली 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 क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, कैसे 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 कैसे? डी वाले भाई साहब कितने अकलमंद हो। हाँ, कैसे कैसे बेटा? कैस्टर क्या होता है? कैस्टर तुम्हारा ऑयल स्टोर करेगा, तो ये ऑयल स्टोर करेगा। एंडोस्पर्म और मेज वाले क्या होगा? मेज तुम्हारा स्टार्च स्टोर करेगा। तो कैसे हो गया, तो क्या होगा, दोनों का एंडोस्पर्म का प्लॉयडी 3N होगा। तो यहां पे तुम्हारा ए इज द करेक्ट आंसर, यहां पे तुम्हारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन बार बार आता है जिसमें तुम लोग गड़बड़ करते हो। ये क्वेश्चन बार बार आता है जिसमें तुम लोग गड़बड़ करते हो। क्या? द पॉलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक कब, कैसे कैसे कब? इसमें बहुत गड़बड़ करते हो, मुझे पता था यही करोगे, यही 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 गड़बड़ करते हो तुम लोग, ठीक है। तुम एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, यहां पे क्या होता है कि जब एम्ब्रियो सैक यहां पे घुसता है तो क्या होता है, जब एंट्री होने लगता है तो सिनर्जिड जो है तुम्हारे वो डीजेनरेट करने लगता है। ये 11th वाला क्यों निकाल दिया, 12th वाला कहाँ गया? यहाँ पे डायग्राम देखा करो, ठीक है। ये इसमें मैंने बार बार करेक्ट करा है, इसको प्लीज लिख लेना, ठीक है। ये बार बार मैंने करेक्ट करा है तुम्हें। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा सिनर्जिड बना, कहाँ गया पेज नंबर तुम्हारा, यहां पे जब ये हो जाता है तुम्हारा तो सिनर्जी डीजनरेट करने लगता है पहले, ठीक है। तो जैसे एंट्री होने लगता है, ठीक है, तो जो ये फिर सिनर्जी में घुसता है, तो जैसे ही पॉलन ट्यूब जगह जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, सिनर्जी तुम्हारा डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सिनर्जी तुम्हारा डीजनरेट करना स्टार्ट कर जाता है और उसी तरह से वो एगोपैराटम्स में चला जाता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, इसको देख लेना। अगला, जीनिया, अभी बताए थे जीनिया, तुम्हारा जीनिया क्या होता, अच्छा बताया नहीं मैंने जीनिया, अभी एक जीनिया तुम्हारा क्या होगा। ये तुम्हारा पॉलन के कैरेक्टर पे आता है, ये तुम्हारा पॉलन के कैरेक्टर पे आता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये तुम्हारा
इफेक्ट एंडोस्पर्म का कैरेक्टर चेंज करता है। तुमको मेज में देखना एक ब्राउन ब्राउन या ब्लैकिश ब्लैकिश कलर का दिखता है, इसको हम जीनिया कहते हैं, इसको हम जीनिया कहते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चल लास्ट क्वेश्चन गाइज, ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लास्ट रखा होता। द गिवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स अकर्स इन, किसमें आया तुम्हारा ए सेक्सुअल रिस्ट्रक्चर, कौन सा है ये ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर, है ना? ये तुम्हारा माइक्रोपाइलेंड है, एंडोजिनस बडिंग दिखा रहा है ना, ये तुम्हारा माइक्रोपाइलेंड है, एंडोजिनस बडिंग दिखा रहा है, ये तुम्हारा स्पिक्यूल्स है, ये तुम्हारा आर्कियोसाइट्स है ना, आर्कियोसाइट्स है, एंड दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ स्पंजीला, स्पंजीला। ठीक है हाँ जी, तो तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है तो आज के लिए इतना ही गाइस, पता है तुम लोगों को कहाँ पे आना है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो मुझे अगर अभी तक नहीं किया, डॉक्टर आनंदमणि मेरा है। ठीक है कल तुम्हारी 2 PM और टेस्ट है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है बाकी तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, प्लस पे आना तो रेफरल कोड आनंद यूज करना ताकि आपको स्टडी मटेरियल मिल पाए। ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ग्रेट जॉब। एक बार सब लोग ए टिक कर दो तो मैं फाइनल लीडर बोर्ड दे दूं, सारे लोग ए क्लिक कर दें, ए क्लिक कर दो तो मैं सारा फाइनल लीडर बोर्ड दिखा दूं, ए क्लिक कर दो बच्चों, एक क्लिक कर दो तो मैं लीडर बोर्ड आपको दिखा दूंगा एक बार। एक क्लिक कर दो सारे लोग तो मैं फाइनल लीडर बोर्ड आपको दिखा देता हूं। ठीक है हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़े क्वेश्चन भी अच्छे करेंगे। देखो आज मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे तो नहीं डाले। ठीक है तो मैं कुछ क्वेश्चन रिफाइन करके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन से मजा नहीं आएगा, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे, तो अगले टेस्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। एंड जोशना हैज डन अ ग्रेट जॉब, साहिल, एके, सुदीप, चलिए ग्रेट। मैं यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं और ये मेरे टेलीग्राम पे जाएगा। ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। ठीक है तो चलो हम लोग कल मिलते हैं फिर। ठीक है आज 7 बजे आपकी इवोल्यूशन की क्लास है बेटा, 7 PM इवोल्यूशन की क्लास है, वन शॉर्ट चैप्टर में हम पूरी इवोल्यूशन खत्म कर देंगे, तो 7 बजे यूट्यूब पे है। ठीक है तो 7 बजे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, चलो बाय 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 बाय। बेटा टॉपिक अभी शेयर हो जाएगा, वो टॉपिक शेयर करेंगे, रिप्रोडक्शन ही है, पहले 12th के टॉपिक्स हम कर रहे हैं फिर बाद में 11th के टॉपिक कर रहे हैं, तो ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। ठीक है बाय।